हाय, इसके खौफ से कुछ ना कुछ सूरत हमारी भी है चीनी हो गई। मैं जिस पे मर रहा था बड़ा भाई ले उड़ा। बड़े भाई तो कौन है तेरा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद सैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मरूफ शख्सियत सैयद सलमान गिलानी साहब, जिनको आप टीवी चैनल पर भी देखते हैं। आइए उनकी खूबसूरत आवाज़ में जो चंद शायर है आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मास्क टाइम दिया आपने, मास्क क्यों नहीं लगाया सर? सॉरी। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आया हूँ जनाब ज़ुहैब साहब के पास और आयशा मस्जिद में यहाँ नमाज पढ़ी है, तो माशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, बड़ी खुशी हुई। और आप पहले ही कहीं, मेरा ख्याल है कहीं सर, आपको मैं पहले ही देखता हूँ ज़ुहैब भाई के पास ही मोबाइल पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन आपको इतला किसने दी कि हम यहाँ पर कदम रंजा फरमा चुके हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस क्या बताएं यार, ये एक तो मुसीबत ये है, चीन से आया ये कोविड और इसके खौफ से, चीन से आया कोरोना, हाय इसके खौफ से कुछ ना कुछ सूरत हमारी भी है चीनी हो गई। मास्क मास्क की इस खेंचा कानी, नाकाबंदी के सबब कान चिब्बे हो गए हैं, नाक फीनी हो गई। की करिए भाई, मुसीबत है। तो कोरोना की मरीजा जो हमसाई हो गई, कोरोना की मरीजा जो हमसाई हो गई, मेरी ये शायरी भी करोनाई हो गई, मेरी ये शायरी भी। और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी, मैं बाबा बन गया हूँ दुल्हन माई हो गई। मैं बाबा, बाबे पे पढ़ रहा, मैं बाबा बन गया दुल्हन माई हो गई। 9 माह से मैं आइसोलेशन में हूँ पड़ा, बेगम से थी जो होनी मेरे भाई हो गई। हाय, बेगम से थी जो होनी मेरे भाई हो गई, कोरोना की मरीजा जो हमसाई। मैं जिस पे मर रहा था बड़ा भाई ले उड़ा। बड़े भाई तो कौन है तेरा? मैं जिस पे मर रहा था बड़ा भाई ले उड़ा, बीवी जिसे बनाना था परजाई हो गई। बड़ी मेहरबानी, मुझे जरा जल्दी है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगु सुनी सैयद सलमान गिलानी साहब की। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हसैन को दिया इजाज़त और देखते रहिए आपके पास पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।